हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाहिद किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ चना दाल मसाला की रेसिपी। आज मैं इसे रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाने वाली हूँ, जैसा आप होटल में खाते हैं ना, उसी टाइप से आज मैं बनाने वाली हूँ। इस चना दाल रेसिपी को आप एक बार मेरे तरीके से घर में बना के देखिए तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाइएगा और बार बार घर में ही बना के खाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े कप में चना दाल ले लिया है, आप देख सकते हैं। चना दाल मैंने फुल कप नहीं लिया है और एक छोटे कप में एक तिहाई कप यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है। आप चाहें तो मूंग दाल थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं या थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा मेजरमेंट इसमें नहीं है, थोड़ा कम ज़्यादा चल सकता है। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल इसलिए लिया है कि ये चना दाल को प्रॉपर बाइंडिंग देगी। चना दाल बनने के बाद अक्सर हो जाता है कि दाल हमारी बिखरी बिखरी सी रहती है, तो मूंग दाल डालने से वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी आपकी और हमारे चना दाल में एकदम अच्छा टेक्सचर बनेगा। तो चलिए अच्छे से इसको धो लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिश वगैरह रहते हैं, तो इसे अच्छे से 3 से 4 बार धो लीजिए हाथों की मदद से। तो चलिए मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, अब इसको पानी डाल के आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो चलिए अब आधा घंटा हो चुका है, यहाँ पे मैं कुकर में दाल को उबालूंगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज़पत्ता लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 3 से 4 यहाँ पे मैंने लौंग लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है। इन सभी चीज़ को मैं दाल में डाल दूंगी और 1.5 कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, नमक मुझे बाद में भी डालना है, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। घी डालने से हमारे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा घी। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑयल लगा लूँगी। ऑयल लगाने से होगा क्या कि दाल का पानी ऊपर नहीं आएगा और मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 सीटी आने तक मैं इसको गैस पर छोड़ दूँगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से गल गई है, ज़्यादा नहीं गलाना है चना दाल को, तो चना दाल को खड़ा ही रखना है, जैसे हाथों से दबाने के बाद वो अच्छे से मैश हो जाए इस तरह से ही रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 छोटी इलायची लिया है, 3 लौंग लिया, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने खड़ा ज़ीरा लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है, 2 प्याज को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूट लिया है, कूट के डालने से दाल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं हमेशा दाल में अदरक लहसुन और हरी मिर्च कूट के ही डालती हूँ। यहाँ पे मैंने हींग लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं दाल का तड़का रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, ऑयल देखिए गर्म हो चुका है, सारे खड़े मसालों को मैं ऑयल में डाल दूँगी, थोड़ी देर चटकने दूँगी। अब मैं हींग डाल दूँगी 2 पिंच इसमें, और वो जो मैंने प्याज काट के रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी और फ्लेम को अभी मीडियम रखना है। तो चलिए इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है, आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको गोल्डन फ्राई किया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी कुटी हुई अदरक और कुटी हुई लहसुन, 1-1 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो दरदरा पीस के भी मिक्सी में डाल सकते हैं। तो चलिए अच्छे से इसको भून लेंगे अदरक लहसुन को। अब इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्च जो मैंने कूट के रखा था। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलर के लिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अच्छे से इन सभी मसालों के साथ प्याज को भूनेंगे, फ्लेम को अभी मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मसालों को भून लिया है मैंने। अब इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे नमक डाल दूंगी। नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा ही डाला है, आप देख सकते हैं पहले भी नमक मैंने दाल में डाला है। तो चलिए अब थोड़ी सी पानी डाल के मैं इसको भूनूंगी। तो चलिए मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और अच्छे से इसको भूनना है जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। तो चलिए अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें दाल डाल दूंगी और उसी कुकर में मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल दूंगी। दाल में हमेशा गर्म पानी ही डालिए आप। तो चलिए अच्छे से मसालों के साथ दाल को मिक्स करेंगे और वो पानी भी इसमें डाल देंगे। दाल का टेक्सचर अब वैसा रखिए जैसा आपको पसंद है, अगर आपको थोड़ा गाढ़ी पसंद है तो कम पानी डालिए,
तो चलिए 5 मिनट के लिए मैं दाल को कवर करके छोड़ दूंगी गैस पे मीडियम फ्लेम पे। तो चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुका है, दाल हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं दाल का टेक्सचर मैंने इस तरह से रखा है। तो चलिए अब थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी से दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती से मैं गार्निश कर दूंगी। तो चलिए दाल का तड़का रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच खड़ा जीरा डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने कुटी हुई लहसुन डाल